नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी गोंडा डॉक्टर नितिन बंसल को दिया गया। पिछले 3 सत्र से गन्ना मूल्य में राज्य सरकार द्वारा कोई वृद्धि न किए जाने से नाराज किसान यूनियन के हजारों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर परिसर गोंडा में विरोध प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के सदर तहसील अध्यक्ष ने बताया कि खाद बीज कीटनाशक में लगभग 20% की वृद्धि हुई है तथा डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं, जिससे किसानों के खर्च में काफ़ी इजाफा हुआ है और किसान सही से अपनी फसल की लागत पूंजी नहीं पा रहा है। सदर तहसील अध्यक्ष सदानंद दुबे ने बताया कि गन्ने की 1 क्विंटल की लागत 300 प्रति क्विंटल पड़ रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बजाज शुगर मिल ने पिछले वर्ष का बकाया भुगतान अभी तक पूरा नहीं किया है। अगर समय से भुगतान तथा गन्ना मूल्य वृद्धि व बकाया गन्ना मूल्य सहित किसानों को अगर नहीं दिया जाएगा तो 21 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर के सभी किसान जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। क्या समस्या है, किस लिए आप यहाँ कलेक्टर पर आंदोलन कर रहे हैं? समस्या है कि इतने दिन सरकार चलाते हो गया, लेकिन इनके सरकार में गन्ने का किसको? योगी जी, योगी जी को क्या दिक्कत योगी है? योगी जी द्वारा सरकार जो चल रही है, एक भी पैसा गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया है। और हमारे संगठन का मांग है कि 450 रुपया प्रति क्विंटल किया जाए गन्ने का दाम जी। हर चीज का भाव बढ़ा है, लेकिन गन्ने का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया जा रहा। इसी के संबंध को लेकर के पूरे प्रदेश में हर जगह ये आंदोलन चलाया जा रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो इस पर जो संगठन की नीतियाँ होंगी उसके आधार पर कार्य किया। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी, संघर्ष चलता रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? झंझरी ब्लॉक अध्यक्ष। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि गन्ने की मांग बढ़ाने, गन्ने की रेट बढ़ाने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए आप मांग कर रहे हैं, इसीलिए आपने धरना प्रदर्शन किया है। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, क्या समस्या आपकी है? यही परेशानी है जो भाई ने बताया, गन्ने का 450 रुपये इसका मूल्य होना चाहिए जी। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, अनिवार्य होगा किसानों के लिए। 400 रुपये गन्ने का, 450 रुपये अनिवार्य होगा। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? सारी मांगे यही आप लोग? सीताराम वर्मा जी, बताएं। जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जी। जी, ये जो है हम लोग, यह सरकार ने अपने मांग पत्र में रखा था, घोषणा पत्र में, कि हम किसानों को 1.5 गुना लागत लगा करके मुनाफा देंगे जी। लेकिन आज हमारी लागत जो है 330 रुपये 40 रुपये आती है और हमको मिल रहा है 325 रुपये 315 रुपये। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आज, हमारा राष्ट्रीय जो है आंदोलन है, हर तहसील में हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ आश्वासन मिला जी, जी आश्वासन SDM साहब आए थे, SDM साहब द्वारा बोर्ड द्वारा मिला जी। जी, उन्होंने कहा हम आपका जो है कागज ये बढ़ाएंगे गन्ना। और कोई समस्या आपकी? और समस्या है, जानवर से कोई समस्या नहीं है? जानवर से बहुत समस्या है, सब खा जाते हैं, सब फसल खा जाते हैं। और समस्या है गन्ने का भुगतान, एक एक साल नहीं मिलता है। अभी बजाज चीनी मिल का भुगतान, गन्ने का भुगतान कितना दिन नहीं मिला आपको? जी, अभी पूरे साल का फरवरी तक पैसा मिला है, बाकी भी 2 महीने का पैसा बजाज का नहीं मिला है। बजाज का पैसा फरवरी तक मिला है जी? जी, इधर बाकी पैसा नहीं मिला जी, फरवरी में अभी शुरू किया है जी, फरवरी का 2 फरवरी तक देने को शुरू किया है, बाकी अभी पैसा गन्ने का भुगतान बकाया है जी, पूरा बकाया है अभी किसानों का जतौली। उन्होंने कहा हम आपका जो है कागज ये बढ़ाएंगे गन्ना। और कोई समस्या आपकी? और समस्या है, जानवर से कोई समस्या नहीं है? जानवर से बहुत समस्या है, सब खा जाते हैं, सब फसल खा जाते हैं। और समस्या है गन्ने का भुगतान, एक एक साल नहीं मिलता है। अभी बजाज चीनी मिल का भुगतान, गन्ने का भुगतान कितना दिन नहीं मिला आपको? जी, अभी पूरे साल का फरवरी तक पैसा मिला है, बाकी भी 2 महीने का पैसा बजाज का नहीं मिला है। बजाज का पैसा फरवरी तक मिला है जी? जी, इधर बाकी पैसा नहीं मिला जी, फरवरी में अभी शुरू किया है जी, फरवरी का 2 फरवरी तक देने को शुरू किया है, बाकी अभी पैसा गन्ने का भुगतान बकाया है जी, पूरा बकाया है अभी किसानों का जतौली। इससे क्या समस्या आपकी है पैसा नहीं मिलने से? अरे, हर समस्या है, पैसे से सब काम चलता है, ना दवा हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है, ना खेती हो रही है, हर काम प्रभावित हो रहा है। पढ़ाई, दवाई, खिलाई सारे में जी, सारा सारा काम जी जी
अन्न को बेचने के बजाय अन्न खाने के लिए खरीदना पड़ेगा। किससे दिक्कत है आपको? ये छुट्टा जानवर से। छुट्टा जानवर से खाने के लिए भी दिक्कत है? छुट्टा जानवर से अगर ये हमारी फसल चर जाएंगे तो हमें भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। बेचने की बात ज्यादा दो नहीं तो कहाँ से करोगे? फसल नहीं व्यवस्था कहाँ से करोगे? फसल नहीं जब तैयार होगी या फसल हमारी नहीं जो तो भूखों मर जाना पड़ेगा। भूखों मर जाना पड़ेगा, व्यवस्था कहाँ से होगी? व्यवस्था कहाँ होगी? और दूसरी बात, ये बजाज का भुगतान बिल्कुल कम है और ये एक एक साल बीत जाते हैं गन्ने का भुगतान नहीं होता। कहीं दिया, कहीं मांगे, ये तमाम मांगे दिया जा चुका है ज्ञापन के माध्यम से और प्रार्थना पत्र के माध्यम से, लेकिन सरकार तो समझ रही है कि कुछ जुए नहीं रेंग रहा है किसानों के हित में। जो योगी सरकार इस समय जो है किसानों के बिल्कुल नामे नहीं ले रही है किसानों की, और इतनी बड़ी किसानों की समस्या है। बताइए, गन्ना निर्भर है जिसके ऊपर, उसके कैसे बच्चे पढ़ेंगे, उसके कैसे भोजन चलेंगे, उसके कैसे खेती होगी, उसके तमाम व्यवस्था जो घरेलू होते हैं कहाँ से चलेंगे जो गन्ने पर निर्भर है। इसलिए समस्या किसानों की बढ़ती जा रही है और इस पर अगर सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो समस्या और जटिल होती जाएगी। योगी जी ने तो क्या दिया? तहसीलदार महोदय ने कहा है कि मुख्यमंत्री को संबोधित ये जो आपकी मांगे। टाइम्स 24 के लिए ब्यूरो प्रदीप कुमार, जनपद गोंडा।